एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवा को कुशल, प्रशिक्षित और उद्यमी बनाने में प्रयासरत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि से संबंधित 19 उपक्षेत्रों में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न योग्यता पैक अर्थात क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनमें से आज हम डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर जॉब रोल के बारे में चर्चा करेंगे, जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट अर्थात डेयरी फार्म प्रबंधन के तहत आता है। आइए जानते हैं इनकी भूमिका और जिम्मेदारियां। पशुधन आवास तैयार करना और बनाए रखना, आवास के भीतर पशुधन स्थापित करना, फीड तैयार करना और फीड और पानी की आपूर्ति बनाए रखना, पशुधन के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखना, हाथ और मशीन दुहना का प्रदर्शन, उचित चारा संरक्षण सुनिश्चित करना, पशुधन में नस्ल सुधार और प्रजनन प्रबंधन करना, छोटे उद्यमों के लिए बुनियादी उद्यमशीलता गतिविधियों को पूरा करना, प्रासंगिक रोजगार और उद्यमशीलता प्रथाओं का पालन करना, सामूहिक डेयरी फार्मिंग या गतिविधि में संलग्न होना, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करना, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना। इस कोर्स को करके आप यह महत्वपूर्ण मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 में एक डेयरी किसान या उद्यमी की भूमिका का परिचय, मॉड्यूल 2 में पशुधन आवास तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया, मॉड्यूल 3 में आवास के भीतर पशुधन की स्थापना और निगरानी की प्रक्रिया, मॉड्यूल 4 में पशुधन के लिए फीड तैयार करने की प्रक्रिया, मॉड्यूल 5 में पशुधन के स्वास्थ्य प्रदर्शन को बनाए रखने के बारे में जानकारी, मॉड्यूल 6 में अच्छे हाथ और मशीन दुहने की प्रथाएं, मॉड्यूल 7 में चारा संरक्षण की प्रक्रिया, मॉड्यूल 8 में पशुधन की नस्ल सुधार की प्रथाएं, मॉड्यूल 9 में योजना, बजट और विपणन की प्रक्रिया, मॉड्यूल 10 में रोजगार और उद्यमशीलता प्रथाएं, मॉड्यूल 11 में सामूहिक खेती और किसान समूह बनाने की प्रथाएं, मॉड्यूल 12 में कार्यस्थल पर प्रभावी संचार, मॉड्यूल 13 में कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने की जानकारी, मॉड्यूल 14 में नौकरी प्रशिक्षण। इस जॉब रोल में नामांकन करने की पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं: प्रासंगिक अनुभव के 1 वर्ष के साथ 10वीं कक्षा या प्रासंगिक अनुभव के 3 साल के साथ 8वीं कक्षा या प्रमाण पत्र NSQF स्तर 3 डेयरी कार्यकर्ता 2 साल के अनुभव के साथ। इस जॉब रोल की प्रशिक्षण अवधि 360 घंटे है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार आप लेवल 4 डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर से लेवल 5 डेयरी फार्म सुपरवाइजर से लेवल 6 डेयरी फार्म मैनेजर में अपग्रेड कर सकते हैं। यह जॉब रोल आपको डेयरी फार्मर से संबंधित कंपनियों जैसे GCMMF या अमूल, हेरिटेज डेयरी, लैक्टेलिस इंडिया, आनंद डेयरी, कंट्री डिलाइट आदि में रोजगार के लिए सक्षम बनाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 25% और अनुसूचित जाति या जनजाति के किसानों के लिए 33% की दर से प्रदान कर रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए आज ही एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क करें।